हेलो बच्चों, हम वापस आ गए आपके पास पिछले 6-7 दिन के बड़े ब्रेक के बाद। फाइनली हम आए, कई प्रॉब्लम्स थी, अभी भी आप देख रहे हो यहाँ पे कोई कॉलर माइक नहीं है, लाइटनिंग काफ़ी लो है और जो वीडियो रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत आउटडेटेड है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, लोकेशन भी चेंज दिखी रही होगी। फिर भी हमने कोशिश की कि वीडियो को आज स्टार्ट करें, क्योंकि ये जो माइक होते हैं ये ऑर्डिनरी शॉप पे नहीं मिलते जिस सिटी में मैं रहता हूँ, तो ये जब आएंगे तब आएंगे, तब तक अपन पढ़ना स्टार्ट करें। जो दुख आपको है वो दुख हमको है, उतनी ही दिक्कत हमको भी हुई। चलिए कोई बात नहीं, ये सारी बातें खत्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन का पार्ट टू। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, बच्चों न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का दूसरा लॉ मोशन का, है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो मैं सच्चाई तुमको बताऊं तो न्यूटन का बेसिकली एक ही लॉ है जो अच्छे से पढ़ना है, वो है सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ सेकेंड लॉ पे ही बेस्ड है, तो अगर सेकेंड लॉ प्यार से समझ में आ गया तो फर्स्ट और थर्ड तो डेफिनेटली आएगा। अब सेकेंड लॉ बेसिकली हमसे कहता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, अगर मैं एकदम कॉमन भाषा में बोलूं तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए है सेकेंड लॉ। पर हमें इस तरह से नहीं पढ़ना है, हमें अपने सिलेबस में ऐसे पढ़ना है कि एक गुली लगी है, इधर एक मास है, इधर एक मास है, ठीक है, पूछेगा एक्सीलरेशन क्या है, टेंशन क्या है, या बोलेगा इंक्लाइन प्लेन वगैरह है, इंक्लाइन प्लेन पे एक मास रखा है, यहाँ से पुली लगा के बांध दिया, इधर गिरा हुआ है, एक्सीलरेशन क्या है, या हमसे बोलेगा कुछ स्ट्रिंग वगैरह है, ठीक है, कुछ स्ट्रिंग वगैरह है, ठीक है, वो किसी एलिवेटर वगैरह में रखी है, वो चल रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या है, टेंशन क्या है, इस टाइप की चीज़ें, या तो हमसे बोलेगा कि ब्लॉक है, उसके पास एक और ब्लॉक है, यहाँ से हमने फोर्स लगाई तो इनका एक्सीलरेशन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है वगैरह वगैरह। इस तरह के सवाल हमको बेसिकली सॉल्व करने हैं अपने सिलेबस में, और उससे पहले जरूरी है आप जान जाओ कि न्यूटन का सेकेंड लॉ है क्या। तो एक्चुअली सेकेंड लॉ ये तो आप कह सकते हो, पर ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है, है ना, यहां तक हम आज पहुंचेंगे एफ इज इक्वल्स टू एम ए, पर ये आया कहां से, आइए पहले वो समझते हैं। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ बेसिकली हमसे कहता है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड, इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड, बेसिकली उन्होंने कहा था इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फिर एक कॉन्स्टेंट आया के और के की वैल्यू 1 आई। तो ये हमसे कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड। अभी सब बहुत बेसिक है, कई लोग ने पढ़ रखा है तो वीडियो को जल्दी से आगे पढ़ाओ, न्यूमेरिकल देखो, नहीं पढ़ा है तो समझो बेसिक क्या है और डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल फॉर्म, ये कब ट्रू है कब ट्रू नहीं है, ये सारी चीजें स्टार्टिंग में समझा दूंगा आपको जल्दी जल्दी। बच्चों रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू फोर्स, ठीक है। अब कई लोग सोच रहे हैं मोमेंटम क्या चीज होती है, मोमेंटम बच्चों होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो हमने लिखा चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू फोर्स, ये हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ। क्या है सेकेंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू फोर्स, मोमेंटम क्या है मास इनटू वेलोसिटी। तो भाई ये फॉर्मूला यहां से उठकर यहां तक कैसे पहुंचा, आइए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हमने कहा फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। मान लीजिए यहां कोई एक ऑब्जेक्ट है मास एम का, इसकी इनिशियल स्पीड यू है और इसमें मैंने फोर्स लगा दी एफ। अब फोर्स लगाने से क्या होगा, ये मोशन स्टार्ट करेगा टक 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 और इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, शुरू में वेलोसिटी यू थी बाद में वी होगी, फोर्स जब तक लगती रहेगी तब तक वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। माने मान लिया यहां से यहां तक टी टाइम तक फोर्स लगती रहेगी, ध्यान से सुनो, जब तक फोर्स लगती रहती है तब तक वेलोसिटी चेंज होती है। अब देखो इसका इनिशियल मोमेंटम, शुरुआत का मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी mu, फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी mv। यहां लिखा है चेंज इन मोमेंटम, बच्चों चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और नीचे जितना टाइम लगा, तो फाइनल मोमेंटम हो गया mv, इनिशियल मोमेंटम हो गया mu, टाइम लगा t, ये है। यहां से f इज इक्वल्स टू, देखो m कॉमन हो जाएगा, बचेगा
v माइनस यू बटे टी। अब ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, v माइनस यू बाई टी इज एक्सेलरेशन, सो वी कैन से f इज इक्वल्स टू एम ए, और हम पहुंच गए यहां से यहां तक। ये था न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, और ये उसका एक पर्टिकुलर केस है जो हमें बहुत पढ़ना है इस बार से। तो आप बोलोगे ये पर्टिकुलर केस क्यों है भाई, इसलिए क्योंकि आपने यहां पे भी मास m माना, यहां पे भी मास m माना। जैसे आपने यहां पे देखो m कॉमन लिया है, मतलब आपने माना है कि मास क्या है, कांस्टेंट। तो अगर मास कांस्टेंट है तब तो ये सही है, अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो ये सही नहीं है। आप बोलोगे क्या बात कर रहा हूं भाई साहब, इसको देखो f इज इक्वल्स टू डेल्टा p बाय डेल्टा t, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम कैसे चेंज हो सकता है, मास की वजह से, वेलोसिटी की वजह से, या दोनों की वजह से। हो सकता हो मास चेंज हो सकता हो वेलोसिटी चेंज हो सकता हो दोनों चेंज हो। हमने इस एग्जांपल में सिर्फ किसको चेंज होता हुआ माना, सिर्फ वेलोसिटी को, मास को हमने क्या मान लिया, कॉन्स्टेंट। जबकि न्यूटन का सेकेंड लॉ ये नहीं कहता कि मास कॉन्स्टेंट है, वो कहता है एफ इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। अगर मास कांस्टेंट हुआ तो वही बन जाएगा f is equals to ma, अदरवाइज रहेगा f is equals to delta p by delta t। क्या पता मास भी चेंज हो रहा होता, तो यहाँ m1 होता, यहाँ m2 होता, तब m कॉमन नहीं होता और ये एक्सेलरेशन वाला टर्म नहीं आता। तो बात आती है कि मास कांस्टेंट कब नहीं होता, और मास कांस्टेंट जब नहीं होता तब क्या होता है, है ना, सवालों के सवाल है और उनके सबके जवाब भी है। तो मास कांस्टेंट कब नहीं होता, एक बड़ा ही पॉपुलर केस आपके सिलेबस में है रॉकेट प्रोपल्शन का, ठीक है, रॉकेट। अच्छा रॉकेट के नीचे से निकलती है एग्जॉस्ट गैस, ठीक है, यहाँ से एग्जॉस्ट गैस निकलती है, सबने किताब में देख रखा होगा, कभी ना कभी टीवी में देख रखा होगा। ये एग्जॉस्ट गैस कहाँ से निकल रही है, फ्यूल से, और फ्यूल क्या है, कुछ मास, मतलब जब रॉकेट ऊपर जाता रहता है तो उसका मास लगातार चेंज होता रहता है क्योंकि फ्यूल खत्म हो रहा है जो कि गैस के फॉर्म में बाहर आ रहा है। तो ऐसे केस में मास चेंज हो रहा तो हम F is equals to ma यूज नहीं कर सकते। क्या यूज कर सकते हैं, F is equals to delta P by delta T। फोर्स निकालने का सही तरीका क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, दिस इज सेकेंड लॉ, ऑलवेज वैलिड, बट दिस इज नॉट वैलिड। ये कब वैलिड होता है, जब मास भी भैया कॉन्स्टेंट हो। एक और इसका बड़ा ही पॉपुलर केस है जब मास कांस्टेंट नहीं होता, ये तो मैंने बड़ा सिंपल से दिखा दिया। एक बड़ा पॉपुलर केस है बच्चों, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास हो जाए, समवेयर अराउंड स्पीड ऑफ लाइट, तब भी उसका मास चेंज होने लगता है, और सही सही बोलूं तो इंक्रीज होने लगता है। ये हमको आइंस्टीन ने बताया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, उन्होंने बोला किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल मास होता है दैट इज इक्वल टू रेस्ट मास डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। एम नॉट है बॉडी का रेस्ट मास, ये देखा होगा तुमने 9th वाइन में कहीं किताब के नीचे से चौकोर से बॉक्स में लाल डिब्बा बना के लिखा रहता है, हमें समझ में नहीं आता। एम है एक्चुअल मास, ठीक है, वी है स्पीड ऑफ बॉडी, और सी है स्पीड ऑफ लाइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है, ध्यान से सुनो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसका मास थोड़ा सा बढ़ जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हम हो, आप हो, कार हो, स्कूटर हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ही मोशन में आता है उसका मास थोड़ा सा बढ़ जाता है। पर ये चीज बहुत ज्यादा एविडेंट, बहुत ज्यादा पता तब चलती है जब उस ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास हो। जैसे लाइट की स्पीड होती है 10^8 मीटर पर सेकंड, अब मान लो ऑब्जेक्ट की स्पीड 10^6 मीटर पर सेकंड हो, 10^7 मीटर पर सेकंड हो, जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह थे, इलेक्ट्रॉन वगैरह की स्पीड 10^6 10^7 पहुंच जाती है। तो ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल मास है वो रेस्ट मास से थोड़ा ज्यादा है। रेस्ट मास मतलब जब बॉडी रेस्ट पे है, जब रुकी हुई है, एक्चुअल मास जब बॉडी मोशन में है वो थोड़ा ज्यादा है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे हम बोले स्पीड किसी ऑब्जेक्ट का c by 2 है, स्पीड ऑफ लाइट के आधा है, किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के हाफ पे पहुंच गया है। तो यहाँ पे आप c by 2 रखोगे, c square upon 4 हो जाएगा, c square cancel, 1/4, 1 minus 1/4, 1 minus 1/4, 3/4, फिर under root 3/4, तो ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा m0
बताओ c by 2 रखा, c square cancel, 1 by 4, 1 minus 1 by 4, कितना हो जाएगा? 4 minus 2, 3 by 4, नीचे आएगा under root 3 by 4, तो नीचे बचेगा root 3, ऊपर बचेगा root 4, m is equals to, अब देखो ये पूरी quantity 1 से बड़ी है, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, मतलब m की जो value आएगी, वो m not से ज्यादा आएगी, m की जो value आएगी, वो m not से ज्यादा आएगी, तो यही हम आपको बता रहे कि तब भी कोई भी बॉडी जब मोशन में होती है तो उसका मास थोड़ा सा अपने एक्चुअल मास रेस्ट मास से ज्यादा होता है। अब ये चीज बहुत ज्यादा एविडेंट तब होती है जब चीज की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के आसपास हो। इसे हमारी आपकी स्पीड क्या है 100 मीटर पर सेकंड 200 मीटर पर सेकंड, इससे तेज क्या दौड़ोगे, बहुत होती है 100 मीटर पर सेकंड, बहुत तेज होता है। तो यहाँ 100 का स्क्वायर, यहाँ 10^8 का स्क्वायर, तो ये टर्म करीब करीब जीरो हो जाएगा भाई, टर्म बहुत छोटा है सी के सामने नॉर्मली डे टू डे लाइफ। तो 1 minus something very small is 1, under root 1 is 1, m is equals to m naught, तो हमारा mass हमारे rest mass के बराबर आता है करीब करीब, actual में हमारा भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो कोई भी object जब motion में होता है उसका mass change होता है, पर day to day life में हम उसको नहीं मानते, हाँ यहाँ मानना पड़ता है जब object की speed speed of light के आसपास हो, मतलब इस case में भी f is equals to ma valid नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? Because mass is not constant। तो बच्चों ये केसेस आपको अपने सिलेबस में 5% टाइम मिलेंगे, 95% टाइम आपको वो केसेस मिलेंगे जहां पे मास कांस्टेंट होता है, 95% टाइम। सो 95% टाइम हम बोलेंगे कि हमारा ये चीज ट्रू है, क्या f is equals to ma, और इसी पे हमें ज्यादातर न्यूमेरिकल करने हैं। सवाल आता है 5% टाइम हम क्या करें, है ना, व्हेन मास इज नॉट कांस्टेंट, व्हेन मास इज वेरिएबल, व्हेन मास कैन चेंज, तब f की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा p / डेल्टा। इसी को आगे एक्सपेंड करते हैं बच्चों, और आगे एक्सपेंड करके हम आपको पढ़ाते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। आइए, तो आपने बोला f इज इक्वल्स टू डेल्टा p / डेल्टा t, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। मान लो मोमेंटम थोड़ा सा चेंज, बहुत थोड़ा सा, तो डेल्टा पी की जगह क्या लिखोगे, डी पी। टाइम भी थोड़ा सा चेंज हो तो डेल्टा टी की जगह डी टी, तो एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। थोड़ा सा मोमेंटम सीरियस है क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत चेंज हुआ था, थोड़ा मैं भी मतलब वो तो हूँ नहीं, क्या कहते हैं पोलर बियर तो हूँ नहीं कि तुरंत एडजस्ट हो जाऊंगा, थोड़ा टाइम लगता है जिसको एडाप्टेशन कहते हैं, तो मैं भी अडाप्ट कर रहा हूँ स्मॉल को, लाइटनिंग को, माइक भी नहीं है पास में, थोड़ा सा आज का लेक्चर सीरियस हो गया। तो dp थोड़ा सा चेंज मोमेंटम में, थोड़ा चेंज टाइम में, ये हो गया डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म में आप बोलोगे f is equals to dp by dt, अरे रुक जा ये कुछ ना बोलेगा, आगे समझ। तो तुमने बोला f is equals to dp by dt, मान लो मास वेरिएबल हो तो कैसे डील करना है ये सी? मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ, मास इनटू वेलोसिटी, तो यहां पे हम लिखेंगे d मोमेंटम की जगह mv डिवाइडेड बाय dt। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना आता है, uv दो वेरिएबल uv, m को बाहर लिया dv / dt, फिर v को बाहर लिया dm / dt। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, पहले m को कॉमन लिया dv / dt + v को कॉमन लिया dm / dt, सो f इज इक्वल्स टू m dv / dt + v dm by dt। ये है एग्जैक्ट सेकंड लॉ, ये है एग्जैक्ट सेकंड लॉ, लिख लो, नोट कर लो इसको, कॉपी में दिल में डाल लो इसको, ये है एग्जैक्ट न्यूटन का सेकंड लॉ, m dv by dt + v dm by dt ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड। पहला टर्म बता रहा है कि वेलोसिटी के चेंज होने से फोर्स कैसे बनती है, दूसरा टर्म बता रहा है मास के चेंज होने से फोर्स कैसे बनती है। फोर्स बनती है जब मोमेंटम में चेंज हो, किसमें चेंज हो, मोमेंटम में, मोमेंटम में चेंज मास की वजह से भी हो सकता है और वेलोसिटी की वजह से। तो पहला टर्म बता रहा है अगर वेलोसिटी चेंज हो तो कैसी फोर्स, और मास चेंज हो तो कैसी फोर्स। तो व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, एफ इज इक्वल टू ईदर यू कैन से चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। फिर मैंने बोला मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। डिफरेंशिएट करने का तरीका, एक बार मास को बाहर लो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, एक बार वेलोसिटी को बाहर लो मास को डिफरेंशिएट करो। तो आप न्यूटन सेकंड लॉ को बोल सकते हो m dv / dt + v dm / dt। आ गया समझ में, आ गया। और यहां से यहां कैसे आओगे, f = ma तक कैसे आओगे, बोलो सब लोग अपने आप बोलो। अगर मास कांस्टेंट हो, अगर
मास कांस्टेंट हो तो चेंज इन मास डीएम की वैल्यू कितनी होगी जीरो। अगर मास कांस्टेंट होता तो डीएम की वैल्यू डीएम क्या है चेंज इन मास कितना होता जीरो तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाता। अब डीवी बाई डीटी क्या होता है एक्सेलरेशन तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए तो यहां से यहां आने का तरीका क्या है कि अगर मास कांस्टेंट हो तो चेंज इन मास मतलब डीएम कितना होगा जीरो तो ये पूरा जीरो डीवी बाई डीटी एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल्स टू एम ए तो कैसे भी आप करके प्रूव कर सकते हो कि एफ इज इक्वल्स टू एम ए तभी ट्रू है जब मास कांस्टेंट है। ध्यान रखना टीचर जब क्लास में पढ़ाए ध्यान रखना एफ इज इक्वल्स टू एम ए इज नॉट न्यूटन सेकंड लॉ बहुत गलत कांसेप्ट है। F is equals to ma is not Newton's second law. Newton's second law है F is equals to change momentum upon change in time. हाँ F is equals to ma तब possible है जब mass constant हो. Otherwise F is equals to m dv by dt plus v dm by dt. इसको तो note कर लो यार, है ना? ये तो नया equation मिला है m dv by dt plus v dm by dt. मान लो बोलता है mass change हो रहा, एक second में 5 kg mass कम हो रहा, एक second में 5 kg mass कम हो रहा. तो dm by dt की वैल्यू कितनी हो गई -5 है ना। एक सेकंड में मास कितना कम हो रहा 5 मान लो बोला एक सेकंड में 2 kg मास बढ़ रहा तो dm by dt की वैल्यू कितनी हो गई 2 चेंज इन मास अपॉन चेंज इन टाइम बढ़ रहा है तो 2 रख दिया। तो इस तरह से करके आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें बोलेगा मास बढ़ रहा या घट रहा और फोर्स निकालने को बोलेगा तब यूज करना पड़ेगा dv by dt + v dm by dt। तो मेरे ख्याल से आपको न्यूटन सेकंड लॉ की बेसिक क्लियर हो गई होगी। व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम एंड इट आल्सो बिकम्स एफ इज इक्वल्स टू एम ए इफ मास इज कांस्टेंट। तो अब आ जाते हैं अपन आज के लेक्चर पे और शुरू करते हैं एफ इज इक्वल्स टू एम ए और एफ इज इक्वल्स टू एम ए पे हमारे पास ढेर सारे सवाल होंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल सवाल। अगर आपने फर्स्ट लॉ नहीं देखा तो देख लो जिसमें एफपीडी बनाना मैंने आपको सिखाया फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है मान लो एक मास है इसमें मैं एक फोर्स लगा रहा है इस मास का इसको मान लो m। अब मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना है फोर्स लगाई है तो एक्सेलरेशन होगा मैंने बोला a और मुझे निकालना है। तो पहली बात तो इसको आप कहां से देख रहे हो तो मैं इसको ग्राउंड से देख रहा हूं। ठीक है अब ग्राउंड से देखने पे इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है एक तो इसका वेट नीचे की तरफ mg एक इस पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस पर आएगा और एक फोर्स है आइए इसका एफबीडी बनाएं। मैंने इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर लिया है आपको नीचे की तरफ mg ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन सामने की तरफ f और एक्सेलरेशन भी इधर। आपको ये पता है मास ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे सो आई कैन से n इज इक्वल्स टू mg जितनी ये फोर्स उतनी ये फोर्स इसलिए ना ऊपर मोशन हुआ ना नीचे मोशन इस तरफ हो रहा है। तो बच्चों जिस तरफ मोशन हो रहा है जिस तरफ मोशन हो रहा है उस तरफ ही फोर्स है आपके पास F is equals to m a खत्म। यहाँ से आप a निकाल सकते हो a की वैल्यू F बटे m बड़ा बेसिक केस लिया आगे बढ़ते जाएंगे आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट केस देखिए बच्चों बॉडी पे लगने वाली फोर्स अनेक हो सकती है आपने देखा है फोर्स अनेक है एक फोर्स F है एक m है एक mg है there can be many number of force that are acting on the same body but there will be a unique acceleration of body. Body का acceleration सिर्फ एक ही direction में हो सकता है कई direction में नहीं forces multiple हो सकती हैं पर acceleration एक ही होगा। तो acceleration निकालने का जो exact formula होगा वो होगा F net net force upon mass। Body में लगने वाली force मत देखो body में लगने वाली net force देखना क्या देखना net force और उससे निकलेगा acceleration हमेशा net force देखना। आओ देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ हमारे पास एक ब्लॉक है थोड़ा चेंज करते हैं इसको और इस पे इधर से एक फोर्स लग रही है F1 इधर से एक फोर्स लग रही है F2 मास है m। अब हमने आपको दे रखा है कि F2 इज ग्रेटर देन F1 तो ये मास किधर जाएगा सामने की तरफ जाएगा तो इधर की तरफ हमने बोल दिया एक्सेलरेशन हो रहा a सही है। अच्छा आइए इसका FBD बनाएं इस मास m को मैंने डॉट से बना लिया नीचे की तरफ लगेगी बोलिए mg सरफेस लगाएगा इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक F2 लग रही ऐसे और एक F1 लग रही ऐसे। अब बॉडी में देखो F2 बड़ा है मतलब एक्सेलरेशन तो इधर ही होगा बॉडी इधर ही बढ़ेगी तो हमने लिख लिया एक्सेलरेशन। भाई साहब ऊपर नीचे जा नहीं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हम बोल सकते हैं n इज इक्वल्स टू mg। इसके बारे में क्या कहें जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उसको मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन
जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उसको मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन। आइए इक्वेशन लिखे, हमारी इक्वेशन होनी चाहिए F is equals to m, ना ना हमारी इक्वेशन में चाहिए F net is equals to m। तो आइए F net देखते हैं, एक्सेलरेशन डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव, तो F2 हमारी कैसी हो गई पॉजिटिव, और F1 कैसी हो गई नेगेटिव, तो F2 minus F1 is equals to m। यहां से आप A निकाल सकते हैं, A is equals to F2 minus F1 upon m। आपको नेट फोर्स लिखनी है, आगे की तरफ कितनी है F2, पीछे की तरफ F1, तो आगे वाली को पॉजिटिव पीछे को नेगेटिव। इसको क्यों पॉजिटिव लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी धीमे धीमे आने लगेगा कन्वेंशन के साथ। चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहां मान लीजिए एक मास m है और इस पे एक फोर्स ऐसे लग रही है, और मान लीजिए ये एंगल है थीटा। अब आपसे कहा फाइंड फोर्स ऐसे लग रही है एंगल पे, फाइंड, सब लोग अपने आप करेंगे पॉज करके, नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। सब लोग पॉज करके उसे सॉल्व करें, नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। चलिए कर लिया, आइए ऐसा। अब इस फोर्स के इस बार दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, इस तरफ फोर्स कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, और इस तरफ आएगा कंपोनेंट एफ साइन थीटा। जिधर थीटा होता है उधर कॉस, उसके परपेंडिकुलर में साइन। अब इस फोर्स को हटा दो, जब उसका कंपोनेंट कर चुके हो भैया तो फोर्स को हटा दो, और कौन सी फोर्स लगेगी इस पे, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। तो हमें पता है बॉडी ऐसे ऊपर नीचे तो मोशन करेगी, बॉडी बढ़ेगी किधर, आगे विद एक्सेलरेशन a। आइए इसका एक बीडी बनाएं, यहां डॉट, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर की तरफ f sin थीटा, आगे की तरफ f cos थीटा, और एक्सेलरेशन भी किधर। अब बॉडी ऊपर नीचे अगर मोशन नहीं कर रही, जितनी फोर्स ऊपर उतनी फोर्स नीचे, यानी n प्लस f sin थीटा इज इक्वल्स टू mg, जितनी फोर्स ऊपर उतनी फोर्स नीचे। यहां से n आपको मिल गया mg माइनस f sin थीटा, जो भी वैल्यूज है रख दीजिए f की m की g की, यू विल गेट नॉर्मल रिएक्शन। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, एक्सेलरेशन a और फोर्स कौन सी है f cos थीटा, हमें F net is equals to ma use करना है, force कितनी है F cos theta, यही force आगे की तरफ is equals to m into a, यहाँ से आप a निकाल सकते हो, F cos theta divide by m, जो भी दिया हो values, समझ में आ रहा है। चलिए values के साथ एक सवाल लेते हैं, ठीक है, variable में मजा नहीं आता, values में ज़्यादा मजा आता है, आओ values के साथ सवाल लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक mass है 5 kg का, आहा अब खुश हो गए सर, और यहाँ मान लो एक फोर्स लग रही है 20 न्यूटन की, मैं भी खुश हो गया, और ये एंगल है 37 डिग्री मास, एक फोर्स लग रही है ऐसे, ठीक है, और ये एंगल इतना मान लो 53 डिग्री, और ये फोर्स है हमारी मान लो 10 न्यूटन की, ठीक है। अब हमसे पूछा कि बॉडी किस तरह मोशन करेगी, क्या वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की, नॉर्मल रिएक्शन की, तो वही पूछा है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल में होगा इधर, दैट विल बी 20 cos 37, एक वर्टिकल में होगा 20 sin 37। इस फोर्स के बारे में क्या कहना है, ये फोर्स ऐसे जा रही है, एंगल कितना है 53 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल में आएगा, बोलो हॉरिजॉन्टल में आएगा 10 cos 53, वर्टिकल में नीचे की तरफ आएगा 10 sin 53, बोलिए सही बोल रहा हूँ, 10 न्यूटन ऐसे लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में इसका 10 cos 53, वर्टिकल में 10 sin 53, बाकी mg और नॉर्मल रिएक्शन। आइए यहाँ पे 3D बनाते हैं इसका प्यारा सा, ये रहा 5 kg का मास, नीचे की तरफ लगेगा 5g, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस इसके ऊपर लगाया है, इधर लग रहा है 20 cos 37, ऊपर लग रहा है 20 sin 37, इधर से भी फोर्स लगी थी कितनी 10 की, नीचे की तरफ 10 की, 10 का इधर कंपोनेंट 10 cos 53, मतलब आगे की तरफ 10 cos 53, और नीचे की तरफ 10 sin 53, ये हो गई सारी फोर्सेस। अब बॉडी के ऊपर एक फोर्स ऐसे एक फोर्स ऐसे, तो एक्सेलरेशन तो इधर ही होगा, आप ये देख लो एक वीडियो देख लो, फोर्सेस तो इधर ही हैं, ऊपर नीचे वाले फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे,
तो हमने लिख लिया यहाँ पे इस तरह का एक्सेलरेशन। चलिए अब क्योंकि वर्टिकल इक्विलिब्रियम है तो ऊपर नीचे वाली फोर्स को इक्वेट करो, n प्लस 20 साइन 37 इज इक्वल्स टू 5g प्लस 10 साइन 53। ये वाला डायग्राम समझ में आया? मैं फिर से समझा दूं, मैं बहुत आगे वाले बता सकता हूँ। ये लगी फोर्स कितनी 10 न्यूटन, एंगल कितना था 53 डिग्री है ना। इस 10 न्यूटन को तुम आगे बढ़ा के देख लो, ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल कितना आएगा 53 डिग्री। 10 का इधर कंपोनेंट 10 cos 53 और नीचे की तरफ 10 sin 53। यहां से आप n निकाल सकते हैं, sin 37 sin 53 निकालने के लिए ट्रायंगल मैं आपको बता चुका हूं कई बार, ये 37 डिग्री वाला ट्रायंगल, यहां पे 3 4 5 और ये 53 डिग्री वाला ट्रायंगल, 53 में 4 3 5, 37 वाले डिग्री में देखो 37 छोटा एंगल है तो इसके सामने छोटी साइड आई 3, 53 बड़ा एंगल है सामने बड़ी साइड आई 4, वही पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5। यहां से sin 37 निकल सकता है 3/5 और sin 53 यहां से निकल सकता है 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से 3/5 4/5 रख के आप क्या निकाल सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन। और g की वैल्यू मान लो हमें दी है 10, तो आइए निकालें n प्लस 20 sin 37 यहां से आएगा 3/5 is equals to 5g, g की वैल्यू 10 प्लस 10 sin 53 यहां से आएगा 4/5 4/5 5 4 is 20 4 3 is 12, तो हो गया n प्लस 5 4 is 20 4 3 is 12 is equals to 50 और ये क्या 5 2 is 10 2 4 is 8 प्लस 8। अब कैलकुलेशन मिस्टेक होता है यार, जान मत देना, 58 और ये माइनस 12 कितना हो गया 46 न्यूटन्स। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आया 46, ठीक है। तो आप ऐसे करके इक्वेट करके निकाल सकते हैं। फिर बात आई एक्सेलरेशन निकालने की बच्चों, ठीक है, 5 केजी का मास। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको देखना होगा एफ नेट इज इक्वल्स टू, तो नेट फोर्स आप देख लो इस तरफ कितनी है 20 cos 37 10 cos 53, तो 20 cos 37 प्लस 10 cos 53 इज इक्वल्स टू एम ए, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, नेट फोर्स हो गई एम कितना है 5 इंटू ए 20 cos 37, ये वाले एंगल से देखो cos 37 कितना होगा 4/5 10 cos 53, नीचे वाले एंगल से 3/5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए 5 4 is 20 5 2 is 10 4 4 is 16 2 3 is 6 इज इक्वल्स टू 5 ए, यहां से जो भी ए की वैल्यू है आप निकाल सकते। तो इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते थे एफ नेट को एम ए के बराबर करना है। किसको? एफ नेट को किसके बराबर करना है? एम ए के बराबर करना है। आइए देखते हैं इसी में ब्लॉक विथ ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक विथ ब्लॉक डायग्राम। मान लो एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, सपोज करो इसका मास है एम वन, इसका मास है एम टू और यहां से हमने एक फोर्स लगाई एफ। अब हमने आपसे पूछा फाइंड करिए नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालिए और इनके बीच में होने वाला नॉर्मल रिएक्शन निकालिए। अब मुझे एक बात बताओ, मैं जब फोर्स लगाऊंगा तो m1 जितनी तेजी से आगे जाएगा m2 भी उतनी तेजी से आगे जाएगा, ठीक है, क्योंकि m1 m2 आपस में चिपके हुए हैं। जब इसको आप मारोगे तो ये इसके साथ इसको धकेलता हुआ आगे बढ़ेगा, मतलब जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इसका होगा। इसका एक्सेलरेशन a, इसका एक्सेलरेशन b। ये अगर एक सेकंड में 5 मीटर आगे गया तो ये भी एक सेकंड में 5 मीटर ही आगे जाएगा, दोनों चिपक के चलेंगे साथ। अच्छा, मतलब एक चीज क्लियर हो गई, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अब बनाना पड़ेगा FBD दोनों का, दोनों का FBD। आइए M1 का FBD बनाते हैं, यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ M1 का FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें वो फोर्स रिप्रेजेंट करो बच्चों जो बॉडी पे लग रही हो, मेरी बात सुनो, जो बॉडी पे लग रही हो, जो बॉडी लगा रही हो वो फोर्स नहीं, जो बॉडी पे एक्ट कर रही हो, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, उनको देखना। तो M1 पे नीचे की तरफ करेगी M1G, ऊपर की तरफ ग्राउंड इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, मैंने लिख लिया एन।
आगे की तरफ एक फोर्स लग रही है F, एस्पिरेशन है इसका A। अब मुझे बताओ क्या M1 पे कोई और फोर्स लगेगा? बोलो 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 बोलो, क्या M1 पे कोई और फोर्स लगेगा? बोलो 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 बोलो, हाँ लगेगा। M2 इसके ऊपर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि M1 M2 कॉन्टैक्ट में, तो M2 इसके ऊपर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन और M1 M2 पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। लेट अस कॉल दिस नॉर्मल रिएक्शन N डैश और M1 ने भी इसके ऊपर लगाया N डैश। ये बात समझ में आई, क्योंकि दोनों कॉन्टैक्ट में, M2 ने इस तरफ लगाया N डैश, M1 ने इस तरफ। M1 पे कौन सी फोर्स लग रही? ये वाली N डैश, ये इधर। किसने लगाई है? M2 ने। किस पे लगाई है? M1। तो FBD में वो फोर्स देखो जो बॉडी पे लग रही है। अब ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो हम बोलेंगे N इज इक्वल्स टू M1 जी। यहां से कहानी खत्म। ये वाला नॉर्मल रिएक्शन से निकालने को भी नहीं कहा था, या नॉर्मल रिएक्शन से निकालने को भी नहीं कहा था हमें, तो ये वाला निकालना है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन लॉक्स N डैश। अच्छा यहां से आओ, अब एक्सेलरेशन इस तरफ, एक फोर्स आगे एक फोर्स पीछे, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो और इक्वेशन लिखो कौन सी, F नेट इज इक्वल टू MA वाली। तो आगे की तरफ फोर्स पॉजिटिव हो जाएगी, F हो गया हमारा पॉजिटिव, पीछे की तरफ फोर्स नेगेटिव, तो माइनस N डैश, क्योंकि एक्सेलरेशन आगे है तो आगे का डायरेक्शन पॉजिटिव, तो पीछे का डायरेक्शन नेगेटिव। ये हो गई नेट फोर्स। मास कितना है? M1। एक्सेलरेशन कितना है? तो ये पहली इक्वेशन आ गई, F माइनस N डैश इज इक्वल टू M1 A। FBD क्लियर है? पहली बॉडी का परफेक्टली क्लियर है। आइए M2 का FBD बनाते हैं। लेट अस ड्रॉ FBD ऑफ M2। ये बहुत क्रूशियल है। नीचे की तरफ बोलो, सबको पता है M2G, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगाएगा, M1 बोल दिया, ठीक है, सरफेस ने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया, मैंने उसको N1 बोल दिया, यहां पे N बोला, यहां पे N डैश और यहां पे M। आगे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? F लग रही क्या M2 पे? यहीं पे कई लोग कंसेप्ट गलत करते हैं कि M2 पे सोचते हैं F एक्ट कर रही है। F सिर्फ M1 पे लग रही है, M2 पे F नहीं लग रही। तो सर M2 क्यों आगे जा रहा है? M2 आगे जा रहा N डैश की वजह से। M1 M2 को धक्का दे रहा, M1 M2 को धक्का दे रहा, मतलब ये जो N डैश M1 M2 पे लगा रहा इससे M2 आगे जा रहा, यानी आगे की तरफ सिर्फ एक फोर्स है N डैश। ध्यान देना, ये F M1 पे लग रही है, M2 पे नहीं। M2 पे क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन जो कौन लगा रहा है? M1। थोड़ा डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होता है, पर कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट यही है, ठीक है। अभी शॉर्टकट भी बताएंगे आगे। तो फोर्स लगी M1 पे और M1 ने M2 पे लगाया धक्का, नॉर्मल रिएक्शन। आगे की तरफ एक्सेलरेशन इसका भी कितना है? वर्टिकल इक्विलिब्रियम में तो ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर, ये नॉर्मल रिएक्शन को नहीं निकालना था, जो सरफेस M2 पे लगा रहा हमें ये निकालना है। इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, F net is equals to M, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव, इस तरफ कौन सी फोर्स है सिर्फ एक, तो हम लिख सकते हैं N dash is equals to M2A। इसका मास M2 है, N dash is equals to M2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपको निकालना है N और A, तो दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, आप निकाल सकते हो। एग्जाम में आपको F दिया होगा, M1 दिया होगा, M2 दिया होगा, निकालिए। हाँ जी, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो N डैश N डैश कैंसिल, F इज इक्वल्स टू M1 A प्लस M2 A। यहां से A की वैल्यू आ गई F बटे M1 प्लस M2। एक्सेलरेशन क्या आ गया? F बटे M1 प्लस आ जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2। बहुत बढ़िया। अब एक्सेलरेशन की ये वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन में रख दो तो तुमको नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा, M2 into A की वैल्यू यहां से रख दो, and that is the normal reaction between blocks। तो भाई सवाल हो गया। अब मैं आपको एक बड़ी कमाल की बात दिखाता हूं उसी सवाल में, कि आपने ठीक है एक्सेलरेशन निकाला, इसको रख के नॉर्मल रिएक्शन निकाला। इसके लिए एक शॉर्टकट देखो, ठीक है, शॉर्टकट हमेशा बाद में बताते हैं ना, पहले मेन मेथड। अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं, M1 M2 को मिलाकर एक सिस्टम मान लूं, ये पूरा मेरे लिए एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम का मास कितना हो गया? M1 प्लस M2, और लगने वाली टोटल फोर्स इस सिस्टम पे क्या है? तो बच्चों मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। नेट फोर्स लग रही है F, नेट मास कितना है? M1 प्लस M2। तो आप देख रहे हो ये आंसर और ये आंसर सिमिलर आ रहा, फिर भी FBD बनाना जरूरी है, क्योंकि शॉर्टकट से नॉर्मल रिएक्शन नहीं निकलेगा,
नॉर्मल रिएक्शन तो इक्वेशन से निकलेगा, ये इक्वेशन बनेगी तभी नॉर्मल रिएक्शन निकलेगा। एस्केलेशन आप निकाल सकते हो, ऐसा यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि दोनों मास साथ में चल रहे थे, जरूरी नहीं हमेशा दोनों का एस्केलेशन सेम आए, यहाँ पे इसका इसका एस्केलेशन सेम था, दोनों साथ में मूव कर रहे थे, इसलिए दोनों को क्या मान लिया, एक सिस्टम, हमेशा सिस्टम मान लें ये इतना आसान नहीं है। फिर एस्केलेशन की वैल्यू यहाँ रख के नॉर्मल रिएक्शन। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ करके दिखाइए उसको, उसमें आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है और एस्केलेशन निकालना है, ठीक है। और मास मैं बढ़ा देता हूँ, दो से तीन कर देता हूँ, 1, 2, 3, ये तीन मास हो गए, ये मान लो 2 kg का, ये मान लो 3 kg का और ये मान लो 2 kg का, ठीक। बढ़ा देते हैं इसको, कर देते हैं 4 kg का। यहाँ पे फोर्स लग रही है हमारी 18 newtons की, 18 newton की फोर्स लग रही। हमसे पूछा है फाइंड एस्केलेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स, जो कि आपको पता है अब क्या होगा, सेम होगा, एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 4 kg एंड 3 kg ब्लॉक, बिटवीन 4 kg एंड 3 kg ब्लॉक। अब बच्चों आप ये समझ गए हो कि हमें वर्टिकल वाली फोर्स से ऐसे क्वेश्चन में मतलब नहीं, क्योंकि मोशन सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में हो रहा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे mg दिखाएं, नॉर्मल रिएक्शन दिखाएं, इसका मतलब नहीं, हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंसिडर करते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए 2 kg वाले मास को देखिए, 2 kg पे एक फोर्स इस तरफ, एक 3 kg के ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, तो इधर लगा दिया मैंने n1 और 2 kg 3 kg के इधर लगा देगा n1। इसी तरह से 3 kg 4 kg पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन n2 और 4 kg 3 kg पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन n2, ठीक है। 3 kg ने 4 kg पे लगाया, 4 kg ने 3 kg पे लगाया नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस। आइए 2 kg का एफबीडी बनाए, 2 kg का एफबीडी, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगी 2g, उसको हमको देखना नहीं, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन उसको देखना नहीं है, वर्टिकल फोर्सेस की बात नहीं। इस तरफ फोर्स लग रही है 18 और एक फोर्स पीछे लग रही जो 3 kg 2 kg पे लगा रहा पीछे की तरफ, जिसको हमने बोला n1। बच्चों इसका एक्सेलरेशन a, इसका एक्सेलरेशन a, इसका एक्सेलरेशन a, तीनों का एक्सेलरेशन a क्योंकि तीनों साथ में मूव कर रहे हैं, हमने कहा एक्सेलरेशन कितना है a, तो ये डायरेक्शन हमारा हो गया बच्चों पॉजिटिव, तो 18 वाली फोर्स पॉजिटिव, n1 वाली नेगेटिव, तो इक्वेशन बनेगी 18 -n1 इज इक्वल्स टू, भाई इक्वेशन क्या बनानी है हमको सेकंड लॉ से, f नेट इज इक्वल्स टू m, तो नेट फोर्स कितनी हुई 18 -n1 इज इक्वल्स टू मास कितना है 2 kg, 2 * a। आइए 3 kg का एफबीडी बनाए, 3 kg, 3 kg पे आगे की तरफ n1 जो कि 2 kg उस पे लगा रहा, पीछे की तरफ n2 जो कि 4 kg इसके ऊपर लगा रहा, एस्केलेशन इधर एक। अब n1 हो जाएगा पॉजिटिव, n2 हो जाएगा नेगेटिव, इसके लिए इज इक्वल्स टू ma, m कितना है 3a। आइए 4 kg का एफबीडी बना लें, 4 kg द लास्ट एफबीडी, 4 kg, 4 kg पे एक ही फोर्स है जो आगे की तरफ लग रही, दैट इज n2 और एस्केलेशन कितना है a, वर्टिकल फोर्सेस को हम नहीं देख रहे, तो n2 इस तरफ and that is equals to ma, m कितना है 4 into a। हो गया बच्चों, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो आपको एस्केलेशन मिल जाएगा, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, आप ऐड करोगे जब तीनों इक्वेशन को, n2 n2 से कैंसिल, n1 n1 से कैंसिल, 18 is equals to, ऐड किया 2 3 5 4 9 9 है, 2 3 5 4 9 है, यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, निकाल लोगे 18 divided by 9। अब आपसे पूछा है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 4 kg एंड 3 kg ब्लॉक, तो 4 kg और 3 kg के बीच का नॉर्मल रिएक्शन कौन सा है, n2, तो हमसे n2 की वैल्यू पूछी है, n2 is equals to 4a, a मिल चुका है, तो आप n2 निकाल सकते हो, n2 is equals to 4a, 4 into 2 कितना हो गया 8 newton और ये 2 m/s2। अगर मान लो हमसे पूछता नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक, तो n2 की वैल्यू निकालते यहां पे रखते और उससे n1 निकालते जो कि नॉर्मल रिएक्शन था इन दोनों के बीच में। यहां पे शॉर्टकट भी चल सकता था, ध्यान से देखो, शॉर्टकट भी लगा सकते थे, ये तीनों को हम एक सिस्टम मान लें क्योंकि तीनों साथ में चल रहे हैं इसलिए सिस्टम मान सकते हैं, तो a इज इक्वल्स टू f नेट अपॉन नेट मास, इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितनी है 18। देखो इन फोर्सेस को मत देखो जो अंदर लग रही है,
ये इंटरनल फोर्स हो गई। जब आपको इसने आपने इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया तो ये अंदर वाली N1 N2 ये सब इंटरनल फोर्स हो गई जिसकी वजह से मोशन नहीं होता, मोशन होता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो आपने इसको पूरे को सिस्टम माना, नेट फोर्स 18, नेट मास 2, 3, 5, 4, 9, तो इसकी वेरिएशन आ गया 2। पर अगर आपसे पूछता नॉर्मल रिएक्शन तब आपको FBD बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना जरूरी हो। नए तरह का क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, इसका मास है M1, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, इसका मास है M2, और मान लीजिए यहां से एक फोर्स एड कर रही है इस पे F। अब हम पूछें कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2, और हमें गिवन है कि ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं ये फोर्स किस पे लग रही है, M1 और M2 पे, तो हम दोनों को एक सिस्टम मान लेंगे, दोनों को एक सिस्टम मान लिया। इस सिस्टम का मास हो गया M1 प्लस M2। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे आप, एफ नेट अपॉन जो नेट मास हो, है ना, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल फोर्स हो गई एफ, टोटल मास हो गया M1 प्लस M2, तो एक्सेलरेशन इसका भी सेम, इसका भी सेम। और ये होती है बच्चों बहुत कॉमन गलती इस क्वेश्चन में जो नहीं करनी है, ध्यान से पढ़ो, लिखा है ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ये सरफेस स्मूथ है, आपने जो फोर्स लगाई वो M1 पे लगाई है, मतलब M1 पे फोर्स लगाने पे M1 तो मूव करेगा पर M2 उसके साथ मूव नहीं करेगा, M1 M2 आपस में जुड़े नहीं है, इनके बीच में स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है इनके बीच में। जब आप M1 पे धक्का मारोगे, फोर्स आप M1 पे लगाओगे तो M1 निकल जाएगा, M2 पे आगे की तरफ कोई फोर्स एक्ट ही नहीं करेगी तो M2 नीचे गिर पड़ेगा, मतलब M2 का स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0। और ये पूरी फोर्स किस पे लग रही, M1 पे, तो M1 का एक्सेलरेशन कितना आएगा, फोर्स अपॉन मास, यानी यहां पे दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगा, तो यहां पे आप सिस्टम नहीं मान सकते। आइए इसको फ्री बॉडी डायग्राम से करता हूं तो आपको शायद और फील आए, चीजें हम समझ में आए जब हम FBD बनाएंगे इसका। आइए अलग अलग मासेस का FBD बनाते हैं। M1 का FBD बनाइए, M1 पे एक फोर्स नीचे की तरफ M1G, एक नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड पे लगाएगा N, और एक फोर्स M2 लगाएगा M1 पे, क्योंकि दोनों कॉन्टैक्ट में है, कॉन्टैक्ट में है तो क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, तो M2 ऐसे लगाए नॉर्मल रिएक्शन, लेट अस कॉल दिस N-। अब आइए M1 का FBD बनाए, M1 नीचे की तरफ M1G, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड में लगाया, एक नॉर्मल रिएक्शन M2 लगाया नीचे की तरफ N-, और एक फोर्स आगे की तरफ F। ये सारी फोर्स एक्ट कर रही हैं M1 पे। अब M1 ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा, मतलब ये फोर्सेस इन फोर्सेस को कैंसिल कर देंगे, ये फोर्सेस इन फोर्सेस को कैंसिल कर देंगे, एक ही फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज F इज इक्वल्स टू M1, इसका एक्सेलरेशन मान लो A, F इज इक्वल्स टू M1A, या A1 है, M1 के एक्सेलरेशन को मैंने बोल दिया A1, ठीक है, और ऊपर वाली फोर्स नीचे वाले के बराबर होगी एंड जो भी होगा उससे। आइए M2 का FBD बनाएं, ये M2 पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी M2G जो ग्रेविटी से खींच रही है, और ये N- किस पे लग रहा, M1 पे, M2 पे नहीं लग रहा, किस पे लग रहा, M1 पे, M1 M2 पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर की तरफ N- इक्वल एंड अपोजिट, ये वाला N- M2 ने लगाया M1 पे, ये वाला N- M1 ने लगाया M2 पे, किधर, ऊपर, तो ऊपर की तरफ N-। अब बताओ M2 पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है, कोई फोर्स इस तरफ है M2 पे, नहीं है, यानी M2 इस तरफ एस्केलेट नहीं करेगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल, और इस तरफ M2 पे कोई फोर्स नहीं, एस्केलेशन 0, तो M2 का एस्केलेशन A2 को हम बोल सकते हैं 0, M1 का एस्केलेशन A1 कितना हो जाएगा, A1 कितना हो जाएगा, F/M1, ये मैं शुरू में बोल रहा था कि ये जो फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ किस पे एक्ट कर रही, M1 पे, M2 पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा था ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, अगर इनके बीच में फ्रिक्शन होता, क्या होता, फ्रिक्शन, तो M2 M1 को पकड़ा रहता, तब M1 पे जो फोर्स लगती उसके साथ M2 भी मूव करता, पर अभी ये स्मूथ है एकदम, इसको मारा तो ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा, M1 नीचे से खिसक जाएगा और M2 थोड़ी देर बाद नीचे गिर जाएगा। अच्छा, तो ये बात आपको समझ नहीं आ गई होगी। अब देखो अगला क्वेश्चन, मान लो ये एक मास है हमारा 5 kg का, इस पे यहां से हम फोर्स लगा रहे हैं से 10 न्यूटन की,
यहाँ पे एक मास रखा है छोटा सा, ठीक है, सपोज 2 kg का, और इसकी लेंथ आप मान लो, इसकी लेंथ आप मान लो 4 मीटर है, ठीक है, इसकी लेंथ हमारी 4 मीटर। अब आप जब इस पे फोर्स लगाओगे तो ये तो स्लिप करके चले निकल जाएगा, ठीक है। 5 kg पे फोर्स लगाओगे तो पिछले एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा, 5 kg निकल जाएगा और 2 kg गिर जाएगा, बिकॉज ऑल सरफेसेस आर कैसे हैं भाई साहब, स्मूथ। हमसे पूछा फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम इन विच 2 kg फॉल्स ऑफ 5 kg, ठीक है, 2 kg वाला 5 kg से गिर गया। एचसी वर्मा में भी ऐसा सवाल दिया है, आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो बच्चों इस वाले के पास तो कुछ एक्सप्लेनेशन होगा, कितना एक्सप्लेनेशन होगा इसका बोलिए, फोर्स अपॉन मास 10/5 यानी 2, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। पिछले सवाल में आपने देखा ये सारी फोर्स से रिसीट एक्ट कर रही है, इस पे कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रही, तो होगा ये अपने एक्सेलरेशन की वजह से यहां से आगे निकल जाएगा और 2 kg नीचे गिर जाएगा, ठीक। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, हम एक काम करते हैं, हम यहां पे आ जाते हैं, जो हमारा ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर को हम इस फ्रेम में ले आते हैं, ये फ्रेम आगे बढ़ रहा है 2 से, अब हम खुद इस फ्रेम में बैठ गए और बैठ के 2 kg को देखें। अगर हम इस फ्रेम में बैठेंगे तो हमें 2 kg पीछे जाता हुआ दिखेगा 2 m/s² की एक्सेलरेशन से, क्योंकि हम तो इस फ्रेम में बैठ गए। जैसे हम ट्रेन में बैठ जाते हैं तो जब हमारी ट्रेन चलती है तो हमें लगता है सामने वाली ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है, वैसे इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये वाला मास पीछे की तरफ जा रहा है 2 m/s² से, ठीक। अच्छा, अब इस वाले मास को ऑब्जर्वर के हिसाब से पीछे की तरफ एक्सेलरेशन 2, डिस्टेंस कितना कवर करना है 4, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। इसको बच्चों आप ऐसे भी समझ सकते थे, जैसे इसको मैं बोल दूं A, इसको मैं बोल दूं B, तो हम सब चीज देख रहे हैं A से, तो एक्सेलरेशन ऑफ B as seen by A, ये आपने पढ़ा होगा रिलेटिव मोशन के मेरे वीडियोस में, ये आपने आप पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन ऑफ B as seen by A, B को जब A ने देखा तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ B माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A। B का एक्सेलरेशन कितना था 0, A का कितना था 2, कितना आया -2, तो B का एक्सेलरेशन जब A से देखा जाएगा, B का एक्सेलरेशन जब A से देखा जाएगा तो कैसा आएगा -2, मतलब 2 आएगा इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। डिस्टेंस कितना कवर करना है B को A के रिलेटिव 4 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है B की 0। टाइम आपको निकालना है, फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप इक्वेशन यूज करेंगे S = UT + ½AT². डिस्टेंस कितना कवर करना है 4, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ 2 × t² 2 से 2 कैंसिल, t² = 4, तो t = ±2 seconds, तो आपको पता है नेगेटिव टाइम नहीं लेंगे, t = 2 seconds, तो 2 सेकंड के बाद ये मास पीछे आके यहां से गिर जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया कैसे करना है इसको। अच्छा, तो बच्चों इस तरह से हम लोग ब्लॉक ओवर ब्लॉक डायग्राम में क्वेश्चंस कर सकते थे या ब्लॉक अलोंग ब्लॉक कर सकते थे जिसमें नॉर्मल रिएक्शन निकाल हुआ है। अगले जो सवाल आते हैं बच्चों वो आते हैं स्ट्रिंग वाले, क्या करता है यहां से, जैसे मान लो मैंने एक ब्लॉक लिया M1 स्ट्रिंग बांध दी, दूसरा ब्लॉक लिया M2 और यहां से एक फोर्स लगा दी। अब हमसे पूछेगा क्या, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2। चलिए शुरू करते हैं, FBD बनाएंगे, वर्टिकल फोर्सेस की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है, हॉरिजॉन्टल को देखें, हमें पता है ये इधर चलेगा ये भी इधर। अब अगर दोनों स्ट्रिंग से बने और स्ट्रिंग अगर बीच में कहीं ढीली नहीं होती तो जितनी आगे ये जाएगा उतनी आगे ये जाएगा, जितनी आगे जितने टाइम में ये जाएगा उतनी आगे उतने टाइम में ये जाएगा, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा सेम, दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा सेम, सेम स्ट्रिंग से बने हैं तो इसका एक्सेलरेशन अगर ये तो बच्चों इसका एक्सेलरेशन भी ए हो जाएगा। अच्छा आइए M1 पे लगने वाली फोर्सेस देखिए, एक तो नीचे की तरफ M1G, एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन जिसे हमें अब कंसिडर नहीं करना, हमें सामने की तरफ की फोर्स देखनी है। यहां पे स्ट्रिंग में लगेगी टेंशन फोर्स, और टेंशन फोर्स कहीं पे भी कैसी होती है अवे फ्रॉम द पॉइंट, कैसी होती है अवे फ्रॉम द पॉइंट यानी इस पॉइंट से दूर जाती है, कहीं पे भी टेंशन देखोगे तो उस मास से उस जगह से दूर जाती हुई दिखेगी। अच्छा तो M1 का मैं एफबीडी बनाने जा रहा हूं, M1 का नीचे ऊपर वाली फोर्स नहीं बना रहा, इस तरफ टेंशन की एक्सेलरेशन है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी M1 की बोलो, नेट फोर्स
is equals to mass into acceleration. Net force is equals to mass into acceleration. आइए m2 का एफडी बनाए. m2 पे एक फोर्स F इधर लग रही और यहां से टेंशन लगेगी किधर? पीछे, अवे फ्रॉम द पॉइंट. यहां से देखा तो इससे अवे, दूर जाती है, तो ये लग गई टेंशन T. एक्सेलरेशन इधर A. अब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी नेट फोर्स की? F पॉजिटिव में, T पीछे की तरफ, नेगेटिव. मास कितना है? m2 into, लिख सकते हैं F minus T, T पीछे है, is equals to m2a. अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड कर दो कि T से T मर जाएगा. F is equals to m1a plus m2a, यहां से a common, a is equals to F बटे m1 plus m2. और फिर आपसे कोई टेंशन पूछ रहा है तो a की वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, आपको टेंशन मिल जाएगी. a की जो वैल्यू आएगी रख दो, क्या मिल जाएगी? टेंशन. तो यहां पे भी आप देख रहे हो कि क्वेश्चन को हम सिस्टम मान के कर सकते थे, ये दोनों ब्लॉक को क्या मान लिए? एक सिस्टम मान लिए. तो नेट मास m1 plus m2, नेट फोर्स F, तो एक्सेलरेशन F upon m1 plus m2. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम था. ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा एक्सेलरेशन सेम हो, जैसे पिछले एग्जांपल में आपने देखा. ठीक, तो टेंशन निकालनी थी और एक्सेलरेशन. चलिए इसका एक सवाल आपको देते हैं, आप करके दिखाएं हमें. इसी का एक एग्जांपल आप करके दिखाएं और उसमें हम मास बढ़ा देते हैं. यहां पे मान लीजिए एक मास है हमारा 2 kg का, फिर एक मास है 1 kg का, और एक मास यहां पे हमारा है 2 kg का, 3 kg कर देते हैं, 3 kg का. और यहां से फोर्स लग रही है 6 न्यूटन की. ठीक है, अब इसको हम खींच रहे हैं. तो ये ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी. यहां पे टेंशन बनेगी इस तरफ, इसको मैंने बोला T1, यहां पे इस तरफ T1. जब तक स्ट्रिंग सेम होती है टेंशन सेम रहती है. टेंशन यहां से अवे फ्रॉम पॉइंट, यहां से अवे फ्रॉम पॉइंट. यहां पे टेंशन बनेगी इस तरफ T2, यहां पे इस तरफ T2. कहीं पे भी टेंशन देखोगे अवे फ्रॉम पॉइंट, कहीं पे भी देखोगे अवे फ्रॉम पॉइंट. ये स्ट्रिंग सेम थी तो टेंशन सेम, ये और ये स्ट्रिंग अलग हो गई तो टेंशन डिफरेंट होगी. आइए एक्टिविटी बनाएं. तीनों एक साथ चलेंगे इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि तीनों स्ट्रिंग से बंधे हैं. तो इसका एक्सेलरेशन ए, इसका एक्सेलरेशन ए, इसका एक्सेलरेशन ए. तो आइए ए वाले का एक्टिविटी बनाएं. इस तरफ टेंशन T1, एक्सेलरेशन ए. इक्वेशन क्या लिखोगे? मास कितना है? 2 kg. तो इक्वेशन क्या लिखोगे? T1 is equals to force is equals to m into a. Force is equals to m into. आइए 1 kg का एक्टिविटी बनाएं. ब्लॉक बी 1 kg. मैं वर्टिकल फोर्सेस नहीं देख रहा, उसकी हमें जरूरत नहीं. इस तरफ T2, इस तरफ T1, एक्सेलरेशन इधर है. इक्वेशन क्या बनेगी? T2 आगे की तरफ पॉजिटिव, T1 पीछे की तरफ नेगेटिव, इज इक्वल्स टू मास कितना है? 1 into A. आइए 3 kg का एक्टिविटी देखें. ब्लॉक C 3 kg, आगे की तरफ फोर्स F, पीछे की तरफ T2, पीछे की तरफ T2, आगे की तरफ फोर्स F, एक्सेलरेशन आगे. तो इक्वेशन बनेगी F minus T2, क्योंकि F पॉजिटिव है, T2 नेगेटिव है, is equals to 3. ठीक, अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है. तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तीन इक्वेशन को ऐड कर दो. T1 से T1 कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल. F is equals to 2a plus 1a, 3, 3, 6, 6. फोर्स की वैल्यू 6 is equals to 6a, a की वैल्यू 1. अब a की वैल्यू 1 मिल गई है, उसको यहां पे रख दो, T1 मिल जाएगा. T1 की वैल्यू यहां पे रख दो, T2 मिल जाएगा. और इस तरह से आप टेंशन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग में निकाल सकते हो और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो. तो आपको मेरे ख्याल से ये ब्लॉक स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे. अब इसमें और क्या वेरिएशन करेगा आपसे? और बच्चों वेरिएशन ये कर सकता है कि किसी एंगल पे दे दे आपको, जैसे आपको एक ब्लॉक दिया ये, एक ब्लॉक दिया ये, और फिर फोर्स लगा दी ऐसे. ठीक है, मान लो हमसे यहाँ पे फोर्स दे दी, सपोज फोर्स दे दी हमको 30 न्यूटन की. ठीक है, और ये एंगल हमको दे दिया 60 डिग्री का. ठीक, अब ये मास मान लो हमारा है 2 kg, और ये मास मान लो हमारा है, ये मास हमारा है 8 kg, और ये मास मान लो हमारा 7 kg. अब हमसे पूछा इन दोनों का एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग के बीच की टेंशन निकालनी, या और मासेस हो सकते हैं, करने का तरीका मैं बता रहा हूं. चलो बच्चों, अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस तरफ F cos 60, एक ऊपर की तरफ F sin 60. ठीक, अब F cos 60 आगे खींच रहा, तो जो एक्सेलरेशन A इसका, वही एक्सेलरेशन A इसका सेम होगा. ठीक, यहां पर टेंशन इस तरफ T, यहां पर टेंशन इस तरफ T. FBD बनाए, आइए 8 kg का बनाते हैं. 8 kg का FBD, नीचे की तरफ फोर्स लगेगी 8g,
ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, सही है, नीचे 8g, ऊपर की तरफ क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, आगे की तरफ t और एस्केलेशन भी आगे, क्योंकि वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा तो n इज इक्वल टू 8g, नॉर्मल रिएक्शन 8g के बराबर, और t इज इक्वल टू ma बाई टेंशन ही, फोर्स है जो आगे खींच रही, मास कितना है 8 इंटू ए, सारे क्वेश्चन इस पे कर रहे हैं हम, f इज इक्वल टू ma न्यूटन सेकेंड लॉ, t इज इक्वल टू 8। आइए 7 kg का एक्टिविटी देखें, 7 kg डॉट नीचे की तरफ 7g, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ 7g, ऊपर की तरफ सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन, और बच्चों एक फोर्स और ऊपर की तरफ है f sin 60, इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, तो ऊपर की तरफ f sin 60, ये भी तो ऊपर जाएगी f sin 60, आगे की तरफ एक फोर्स है f cos 60, तो वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है, यानी f sin 60 प्लस n इसके इक्वल 7g, और एक्सेलरेशन इस तरफ, और भी कोई फोर्स है, एक फोर्स और है टेंशन की पीछे की तरफ, तो मैंने लिखा t। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखो क्या लिखेंगे हम, f cos 60 आगे खींच रहा है माइनस t पीछे ले जा रहा इज इक्वल टू m इनटू a, अब आपको एक्सेलरेशन निकालनी है जिसको आप ऐड कर दोगे, t से t कैंसिल, f cos 60 इज इक्वल टू 15a, f की वैल्यू 30, cos 60 इज 1/2 इज इक्वल टू 15, ये 15, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, अब a की वैल्यू यहां रख दो तो आपको टेंशन भी मिल गया। मान लो आपसे कहता है नॉर्मल रिएक्शन निकालो इस ब्लॉक पे इस ब्लॉक पे, तो इस पे अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन, जैसे इसके नॉर्मल रिएक्शन को n1 बोल लो, इसके नॉर्मल रिएक्शन को n2 बोल लो, अब आप नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल सकते हो, है ना, यहाँ पे तो 80 हो जाएगा, g की वैल्यू रखते 10, और यहाँ पे f की वैल्यू रख दो, sin 60 की वैल्यू रख दो, और नॉर्मल रिएक्शन टाइम, तो इस तरह से आप स्ट्रिंग ब्लॉक वाले सवाल भी इजिली कर सकते थे। इसके बाद बच्चों आता है पुली सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं एक्टपुट मशीन, पुली सिस्टम जिसको हम बोलते हैं एक्टपुट मशीन, उसमें भी f = ma वाले सवाल रहते हैं, ठीक है, पुली सिस्टम। तो एक वीडियो अगला आने वाला है जिस पे सारे पुली के ही सवाल डिस्कस होंगे। अभी बेसिक एक्टपुट मशीन का कांसेप्ट आपको बता देता हूं मैं। ये हमसे क्या कहती है, मान लीजिए यहां एक पुली है, यहां एक मास है m1, यहां एक मास है m2, और ये ऐसे टंग रखी है, और हमसे बोल दिया m2 is greater than m1। अगर m2 m1 से बड़ा है तो ये पुली इस तरफ नीचे गिरेगी, बिल्कुल। मान लो ये नीचे एस्केलेशन ए से आया, तो बच्चों जितना ये नीचे आएगा उतना ये ऊपर, तो ये ऊपर एस्केलेशन ए से जाएगा, मतलब ये समझना है इस सिस्टम में दोनों का एस्केलेशन क्या रहेगा सेम, ये जितनी तेजी से नीचे आएगा ये उतनी तेजी से ऊपर जाएगा, ठीक है। अच्छा आइए एफबीडी बनाते हैं, m1 के ऊपर फोर्स बताइए, नीचे की तरफ m1g, ऊपर की तरफ टेंशन की, टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, अब स्ट्रिंग देखो सेम है, तो यहां पर टेंशन की ऊपर ऐसे लगा सकते हैं टी, सेम टी क्यों लगाया, क्योंकि स्ट्रिंग क्या थी सेम थी, और हमारे सिलेबस में ये जो पुली होती है बच्चों ये पुली मासलेस दी जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और फ्रिक्शन लेस दी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं, जब जब ऐसा देगा तब तक टेंशन सेम रहेगी। एम टू में बताओ नीचे की तरफ एम टू जी, ऊपर की तरफ टी, आइए दोनों का अलग अलग एफबीडी बनाए, एम वन का एफबीडी देखो नीचे की तरफ एम वन जी, ऊपर की तरफ टेंशन टी, एक्सेलरेशन ऊपर ए, क्यों ऊपर किया क्योंकि M2 बड़ा था तो इधर गिरेगा, है ना, M2 बड़ा है ये वाला मास ज्यादा भारी है तो इधर गिराएगा। अब देखो इस पे नेट एक्सेलरेशन डायरेक्शन किधर है ऊपर, तो नेट फोर्स भी किधर होगी ऊपर, तो इक्वेशन क्या बनेगी T पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। M2 का एक्टिविटी देखिए जरा, यहां पे मैं M2 का एक्टिविटी बना देता हूं, नीचे की तरफ M2G, ऊपर की तरफ टेंशन टी, एक्सेलरेशन किधर है नीचे, M2 का एक्सेलरेशन नीचे मतलब नेट फोर्स किधर होगी नीचे, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वही क्या है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इस बार, M2G पॉजिटिव माइनस टी इज इक्वल टू M2A, समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है तो ये वाली फोर्स पॉजिटिव, जिधर एक्सेलरेशन है उधर की फोर्स पॉजिटिव, उसके अपोजिट की नेगेटिव। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है इसका इसका, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, T से T कैंसिल, क्या बचा M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A, यहां से A की वैल्यू क्या आई M2 माइनस M1G अपॉन M2 प्लस M1, ये एस्केलेशन आपको मिल गया, एस्केलेशन की वैल्यू उठा के इसमें या इसमें किसी में रख दो तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी।
अब इसमें आप देख रहे हो वो कंसेप्ट काम नहीं किया ना, नेट फोर्स अपॉन नेट मास कि किया है कि नहीं किया है, क्या बता है नेट फोर्स अपॉन नेट मास, ये कंसेप्ट काम किया है कि नहीं किया है? देखो एक चीज दिखाता हूं मैं, इसको भूल जाओ, एवरीडी समझ में आई है? अच्छा एक काम करते हैं, इस पूरे को सीधा करके टेबल पे रख लेते हैं, इस पूरे को सीधा करके टेबल पे रख लो, इस तरफ कितनी फोर्स खींच रही एम टू जी, इस तरफ कितनी फोर्स खींच रही एम वन जी, सही है? कौन बड़ा है इन दोनों में से? एम टू बड़ा है तो यानी फोर्स ज्यादा है, इधर टेंशन टी इधर टेंशन टी, सही है? अब बताओ नेट फोर्स कितनी हुई, जरा देख के बताओ नेट फोर्स, इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया, इस पूरे को एक सिस्टम, जब सिस्टम मान लिया तो टेंशन को तो देखना नहीं है, क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्स हो गई, सिस्टम मानते ही टेंशन तो सिस्टम के अंदर आ गई, तो नेट फोर्स कितनी है एम टू जी इधर एम वन जी इधर, तो कितनी हो जाएगी एम टू जी माइनस एम वन जी, नेट मास कितना हुआ, नेट मास सिस्टम का कितना हो गया एम वन प्लस एम टू, एक्सेलरेशन क्या हमने बताया है नेट फोर्स अपॉन नेट मास लगा दिया एम टू जी माइनस एम वन जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, देखो अभी भी आ रहा है, पर अगर टेंशन निकालनी है तो क्या बनाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, टेंशन निकालनी है तो क्या बनाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम, तो या तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के निकालो, अगर सिर्फ एक्सेलरेशन बोलता है तो नेट फोर्स अपॉन नेट मास कर दो, सीधा सवाल खत्म हो जाएगा। चलिए न्यूमेरिकल आपको हम देते हैं, यहां हमारा मास है 5 केजी का, यहां हमारा मास है 2 केजी का, यहां हमारा मास है 4 केजी का, ठीक है दो मास लगा दिए, हमसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताइए। अब आप इसमें दिमाग लगा सकते हो, सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा है तो आप क्या लगा दो नेट फोर्स अपॉन नेट मास, देखो इस तरफ टोटल फोर्स कितनी होगी, ये 4g ये 2g कितना हुआ, दोनों को मिला लो, इस तरफ ये खींचेंगे यानी 6g और इस तरफ ये खींचेंगे यानी 5g, तो डेफिनेटली सिस्टम इधर गिरेगा एक्सेलरेशन ए से और ये ऊपर उठेगा एक्सेलरेशन से, इस तरफ नेट मास या नेट फोर्स कितनी हुई 6g, इस तरफ की माइनस करनी पड़ेगी माइनस 5g अपॉन नेट मास कितना होगा 4 2 6 5 11, ये हो गया नेट एक्सेलरेशन, कितना हो गया g बटे 11, इस वाले का क्या लिखोगे प्लस g बटे 11 क्योंकि ऊपर जा रहे, इस वाले का माइनस g बटे 11 क्योंकि ये नीचे आ रहा है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे टेंशन वगैरह पूछता तब आपको क्या बनाना पड़ता फ्री बॉडी डायग्राम, उससे भी आंसर सेम आता फ्री बॉडी डायग्राम। तो बच्चों अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे पुली के वो क्वेश्चन जो आपके ज्यादा फंस रहे होंगे, जो एक्सी वर्ग में बहुत दिए हुए पुली के सवाल, किस तरह के सवाल कराएंगे हम आपको बता देंगे पुली के, जैसे आपने इस तरह के सवाल देखे होंगे जो मूवेबल पुली के सवाल होते हैं, ठीक है किसके सवाल मूवेबल पुली के सवाल आपने देखे होंगे, जैसे ये पुली मूवेबल है, इंक्लाइन प्लेन पे आपने मूवेबल पुली के देखे होंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखे होंगे, तो ये सारे नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, उम्मीद करते हैं क्वालिटी कुछ इंप्रूव होगी, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।